हाय आई एम राम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्रिकेट में सबसे इंटरेस्टिंग मैच कौन सा होता है जो देखने लायक होता है? वो होता है इंडिया एंड पाकिस्तान का, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो या वुमेन्स क्रिकेट। तो हाल ही में अभी जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो पहला ही मैच इंडिया का पाकिस्तान के साथ था। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता एंड उन्होंने बैटिंग किया। उनके जो कैप्टन है बिस्मा मारूफ, उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली, 66 नॉट आउट भी रहे। और इंडिया ने पहले 7-8 ओवर तक बॉलिंग जो है वो इनकी अच्छी रही। पहले दो विकेट जल्दी चले गए, या 7वें 8वें पे उनके मतलब और 3 विकेट चले गए थे। उसके बाद जो उन्होंने 150 का जो स्कोर, इतना बड़ा स्कोर किया, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया इंडिया के लिए। डिफिकल्ट इन द सेंस, जब चेज करना है और ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो इसकी वजह से ये डिफिकल्ट हो जाता है। इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड कप में 150 कभी चेज नहीं किया हुआ था। जब इंडिया की बारी आई तो शेफाली आंडी यस्तिका ने बैटिंग शुरू की। शेफाली का तो दूसरे ओवर में ही LBW आउट हो गए थे, बट उन्होंने रिव्यू अच्छा लिया एंड वो बच गए। उसके बाद फिर जल्द ही पावर प्ले तक ये दोनों खेलते रहे, बट वो पावर प्ले 6 के रन रेट से खेलते रहे, स्मूथली खेलते रहे, बट उसके बाद यस्टिका आउट हो गए। हरमनप्रीत कौर भी ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए, फिनिश नहीं कर पाए इनिंग्स को, वो भी जल्दी आउट हो गए। बट जेमिमा एंड रिचा ने दोनों मिलकर बहुत ही शानदार पार्टनरशिप किया, जहाँ पर 30 बॉल में 50 रन चाहिए था। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने धीरे 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 कम किया, फिर उन्होंने एक 12 का ओवर किया, फिर 13 का एंड 14 का, इस तरह करके उन्होंने 19वें ओवर में मैच फिनिश कर दिया। हालांकि इंडिया के पास विकेट तो था, बट जब रन रेट बढ़ने लगती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर आने लग जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। तो मैच जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा था, बट इंडिया ने कमाल खेला लास्ट में, एंड हैट्स ऑफ एंड कंग्रेचुलेट देम। उसके बाद फिर इंडिया का नेक्स्ट मैच जो है वेस्ट इंडीज़ के साथ है। और हम मेंस क्रिकेट की बात करें तो काफ़ी मैच से पहले बहुत ड्रामा हो रहा था। वो जल्दी जब आउट हो गए तो बोलने लगे कि पिच खराब है। अब जब इंडिया ने उसी पिच पे 400 रन कर दिया तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, पिच खराब है। अगर पिच खराब है तो दोनों ही टीम लो स्कोरिंग होने चाहिए, एक जब बैटिंग कर रहे 200 के अंदर ऑल आउट हो रहे हैं और दूसरा जब 400 रन कर रहे हैं, तो फिर तो पिच में कोई कमी नहीं। इंडिया में तो अश्विन एंड जडेजा, ये क्या बोलते हैं, किसके कारण अर्जुन की जोड़ी होम सीरीज होती है, तो इनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। और यही हुआ, पहले इनिंग्स में जडेजा ने, दूसरे इनिंग्स में अश्विन ने, वो हमेशा ही बातचीत करके आते हैं कि भाई इस बार तुम कितना विकेट लोगे और इस बार मैं कितना। अच्छा तुम विकेट लोगे, ठीक है मैं स्कोर भी करूँगा। अब देखते हैं कि वो और कौन से प्लेयर्स को लाएंगे अपने नेट में बॉलिंग कराने के लिए, क्योंकि उनका जो अश्विनी वाला तो वो तो फेल हो गया। श्रेयस अय्यर जो है वो अभी इंडियन टीम में ज्वाइन कर चुके हैं एंड होपफुली वो दिल्ली वाला टेस्ट खेलेंगे। अगर वो खेलते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव आउट होंगे। मेरा ये मानना है कि उसके साथ साथ इंडिया को और एक चेंज भी करना चाहिए। शुभमन गिल जो इतने अच्छे फॉर्म में हैं, उनको भी प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए। ये जो सीरीज है सिर्फ बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये सीरीज के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचेगी या नहीं। तो मेरे ख्याल से इंडिया मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, शुभमन गिल को एंड श्रेयस अय्यर को इसमें जगह मिलनी चाहिए, फिर देखते हैं, होपफुली इंडिया ये भी टेस्ट जीत जाएगी। थैंक यू।